तानहं द्विशतः क्रूरान्। ओह 16th, 19th and 20th। संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरेषु एव योनिषु आसुरं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। वो उसका चेक भी कर सकते, उसका मोबाइल डाटा खोला हुआ है, मतलब आई डोंट हैव एनी आइडिया, इट्स ओपन, यू कैन, बिकॉज आई क्लोज्ड इट। ओके सो 16th chapter, 19th and 20th verse। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम है उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते कभी भी मुझ तक नहीं पहुँच पाते और वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। इंटरेस्टिंग वर्सेस है एंड कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इस श्लोक में। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। ओम ज्ञानातिमिरंदस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। वेल भगवान श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, मैं उन पॉइंट्स को इंक्लूड कर दूंगा। बट श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि तात्पर्य में श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त होता है। वेल भगवान ही सबको ऊपर उठाते हैं और जिसको गिराना चाहते हैं उसको गिरा देते हैं। अब कहने का मतलब है कि ही इज इन फुल कंट्रोल। अब यहाँ पे भगवान स्पेसिफिकली अपने भगवान असुरों के बारे में बात कर रहे हैं। कृष्णा कह रहे हैं तान अहम द्विशतः क्रूरान। कृष्णा कह रहे हैं अहम, अहम मतलब मैं, और तान मतलब होता है उन लोगों को। किन लोगों की बात हो रही है? असुरों की बात हो रही है यहाँ पर, नहीं असुरों की जो कि भगवान और शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखते, दूसरों का शोषण करते हैं, स्वार्थी होते हैं, हमेशा काम वासना के परायण होते हैं, विश्व कल्याण के बारे में तो सोचना ही नहीं, विश्व डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचते रहते हैं। दे आर कंप्लीटली, दे आर बैड पीपल, बैड एंड मैड पीपल इस तरह से। सो भगवान स्वयं, कृष्णा कह रहे हैं मैं उनको पनिशमेंट देता हूँ, मैं उनको नीचे धकेल देता हूँ। तान अहम, सो वेल यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि भगवान इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि भगवान को तो सर्वदयालु बोलते हैं। यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं मैं उनको नीचे नरकों में धकेल देता हूँ, नीचे की योनियों में धकेल देता हूँ, जहाँ से फिर वापस आना बहुत मुश्किल है। आते हैं धीरे 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 धीरे, बट सो तो इस क्वेश्चन को मैं बाद में डील करूंगा कि भगवान सर्वदयालु हैं तो ये क्या कर रहे हैं, फिर भगवान को तो उठाना चाहिए ना, नीचे क्यों डाल रहे हैं? जबकि हम लोगों ने सुना है कि जीवात्मा तो नीचे अपने ही कर्मों के वजह से जाता है, नहीं भगवान तो धीरे धीरे कृपा करके उनको उठाते हैं। सो इस क्वेश्चन को मैं बाद में डील करूंगा, बट कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं तान अहम द्विशतः क्रूरान। जो असुरी व्यक्ति होते हैं वो द्वेषी होते हैं, जो लोग इस संसार में द्वेषी होते हैं और क्रूर होते हैं उन असुर लोगों को नराधमान, और उन जो लोग हैं जो मनुष्यों में अधम है, जैसे टेररिस्ट हो गए, दूसरों को मारना या अपना मतलब निकालना हमेशा, उन लोगों कृष्णा कह रहे हैं शिपामी मतलब मैं नीचे डाल देता हूँ। कहाँ डालते हैं?
शिपामी अजस्रम, अजस्रम होता है सदैव, सदैव यहाँ पे सदैव मतलब है कि वेल आप कह सकते, वेल कुछ लोग कह सकते हैं कि भगवान हमेशा के लिए उनको नरक में डाल देते हैं, वेल इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में तो है ही, है नहीं, हमेशा के लिए फॉर इटर्निटी दे विल गो टू हेल। सो यहाँ पे ऑफकोर्स हमारे हमारे शास्त्रों में भी सदैव की बात की अजस्रम, बट सदैव का मतलब है फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के लिए, फिर वो नीचे 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 की योनि में जाएंगे, फिर क्योंकि नीचे की योनि में जाएंगे तो फिर और नीचे चले जाएंगे और फिर और नीचे चले जाएंगे, एक बार आप नीचे जाओगे तो नीचे जाते रहोगे, एक बार ऊपर जाओगे तो फिर ऊपर जाते रहोगे, क्योंकि जब आप नीचे जाते हो तो नीचे, जब आप नीचे की योनि में जाओगे तो कंडीशंस ऐसी होंगी कि आपका माइंड और ख़राब हो जाएगा। नहीं जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए अब आप यहाँ मंदिर छोड़ के आप जाके कहीं, मान लीजिए आप मंदिर छोड़ के, भक्ति छोड़ के आप लास वेगास में रहने लगे, दैट्स इंटरेस्टिंग, मगर वहाँ पे फिर आप और फंस जाओगे पाप में, क्योंकि वहाँ पे गैम्बलिंग है, कैसीनोज है, फिर एक बार फंस गए तो फिर और ख़राब में दलदल है, नहीं बस ऐसे है, खिंचते रहते हैं नीचे। सो कृष्णा कह रहे हैं अजस्रम, अजस्रम अशुभान आसुरेशु योनिषु, अलग अलग योनियों में मैं उसको नीचे धकेलता रहता हूँ और फिर वो वहाँ से वापस नहीं निकल पाता। बहुत टाइम के बाद नीचे की योनियों में, पहले असुरों की योनियों में, फिर जानवरों की योनियों में, और ऐसे चलते 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 चलते, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, या फॉर एग्जाम्पल गरुड़ पुराण में लिखा है कि अगर कोई पाप करता है, जैसे मान लीजिए अगर किसी ने किसी से द्वेष किया तो उसका फल क्या हो, तो उसका फल है कि पहले वो कि अगले जन्म में वो सांप बनेगा, फिर उसके अगले जन्म में वो लोमड़ी बनेगा, फिर उसके अगले जन्म में वो कुछ चींटियां बनेगा ऐसे करके, मतलब इट्स इट्स अ बिग थिंग, फिर मतलब एक पाप का जो फल होता है वो कई योनियों में जाना पड़ता है, इस तरह से होता है, और फिर उन योनियों में जाके बाई चांस वो चला गया, मान लीजिए फिर एक योनि में अगर राक्षस बन गया तो और पाप कर देगा, तो और फंसता रहेगा वो। तो कृष्णा कह रहे हैं बट इस सब का डायरेक्टर कौन है, मैं हूं, आई डू ऑल दिस थिंग्स। सो क्वेश्चन ये है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, बट वेल कृष्णा जो भी कर रहे हैं, कृष्णा अगले श्लोक में कह रहे हैं आसुरम योनि मापन्ना, ऐसे लोग फिर असुर योनि में चले जाते हैं। अब आसुरी लोग कौन थे, पापी लोग, है नहीं, तो क्या होता है जब उन्हीं उन्हीं में जाते हैं तो मूढ़ा, तो क्या होता है, तो उनको भगवान की भक्ति के प्रतिकूल एनवायरनमेंट मिलता है, नहीं अच्छा एनवायरनमेंट तो मिलेगा नहीं आसुरी उन्हीं में। जैसे मान लीजिए अगर आप अगले जन्म में चाइना में पैदा हो गए, किसी चाइनीज चिंकी क्या, चाइनीज फैमिली क्या, तो बचपन से आप मीट खाओगे, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। कुछ पाप ही हैं जो कि हमें ऐसे ऐसे परिवार में पैदा कराते हैं, बचपन से फिर मीट खाते हैं, वहाँ पे बचपन से मीट खाएंगे, सांप वॉटएवर खाएंगे, तो अब और पापों में फंसते रहोगे, फंसते रहोगे, फंसते रहोगे। पापों का पता है प्रॉब्लम क्या है, पापों में प्रॉब्लम यह है, एक मैं श्लोक पढ़ रहा था पद्म पुराण में, शिव जी कह रहे हैं कि चाहे कोई कितना ही धर्म का आचरण क्यों ना करे, चाहे कोई कितना ही भक्ति में क्यों ना लगे लगा हुआ हो, एग्जैक्टली श्लोक भूलिया मैं, चाहे कितना ही कोई भक्ति में क्यों ना लगा हो, चाहे कितना ही कोई धार्मिक क्यों ना हो, मगर जब पाप आते हैं तो वो भ्रष्ट हो जाएगा, गिर जाएगा वो उस पथ से, अगर बहुत भयानक पाप आ गए तो वो रह नहीं पाएगा उस पे, चाहे वो कितना ही क्यों नहीं उसमें मतलब पूरी तरह लगा पड़ा हो, मतलब जब आप कर रहे होगे भक्ति और जब पूरा धर्म का आचरण कर रहे होगे तो बहुत कॉन्फिडेंट होगे कि वेल मुझे कुछ नहीं हो सकता, बट पाप का चक्कर ऐसा होता है कि जब पाप आते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो एक्चुअली वर्ड विनाश काल ही आ रहा है वहां, जब विनाश काल आता है तो माइंड पूरा उल्टा हो जाता है। और हम देखते भी हैं कि प्रैक्टिकली हम देखते भी हैं कि कहीं बहुत अच्छे अच्छे डिवोटीज भी अचानक से गिर भी जाते हैं, अब ये भी हो सकता है कि वो अच्छी तरह भक्ति नहीं कर रहे, क्योंकि भक्ति को तो कोई नहीं रोक सकता, पाप भी नहीं रोक सकते, बट प्रॉब्लम ये है ना कि संसार में
अब पाप क्या करेंगे, पाप आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे जहां पे भक्ति करना मुश्किल हो जाएगा। जब पाप आएंगे तो आपकी सिचुएशंस ऐसी बन जाएंगी, आप परेशान हो जाओगे हर तरफ से। ऐसा होता भी है जब, क्या कहते हैं, जब ब्लेसिंग्स आती हैं तो छप्पर फाड़ के आती हैं, और जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो भी छप्पर फाड़ के आती हैं, एक के बाद एक आती हैं, हर डायरेक्शन से आती है। तो जब पाप आते तो सकमस्टांस ऐसे बन जाते हैं, हर तरफ से प्रॉब्लम होती है, अंदर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से, तो भक्ति अपने आप ही वीक हो जाती है। माइंड तो डिस्टर्ब होगा ही ना, और अगर जहां भक्ति वीक हुई वहां आपके फॉल्ट डाउन के पूरे चांसेस बन रहे। अगर भक्ति स्ट्रांग है वो बात अलग है, अगर आप स्ट्रांगली कर जाओ तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हिला सकती, चाहे कितने ही पाप आ जाए आप हिल नहीं सकते। अगर प्रोवाइडेड अगर आपके पास सिचुएशंस अच्छी हैं, डिवोटी एसोसिएशन अगर उस टाइम अच्छी है तो आप बच सकते हो। मगर जब पाप आते हैं तो पाप ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि डिवोटी से भी दूर हो जाओगे आप। डिपेंड करता है कैसे सिन है। अगर आपने पिछले जन्म में किसी वैष्णव को मारा है, कोई अपराध किया है बहुत बुरा, और वो पाप आ गए वैष्णव अपराध, कभी ना कभी तो फलेंगे ही, तब फिर बचना बहुत मुश्किल है। फिर तो आप भक्तों से दूर चले जाओगे, दूर कर देंगे आपको। भक्तों से दूर हो गए बस, फिर तो फिर कैसे करोगे आप, पहले ही वीक वीक हो तो फिर तो गए काम से। जैसे जंगल में नहीं होता, जब जंगल में जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं चिड़िया के, तो जब चिड़िया जाती है सुबह सुबह खाना लेने, तो पीछे से छोटे बच्चे तो बड़े, क्या कहते हैं, निर्बल होते हैं, नहीं सांप आके खा जाए कुछ भी कर ले, दे प्रोन। तो इसीलिए भक्ति सनत सरस्वती ठाकुर कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी भक्ति में स्ट्रांग बन जाओ, क्योंकि स्ट्रांग नहीं होगे तो जरूरी नहीं है कि आपको पता भी नहीं लगेगा, मगर पिछले जन्म के पाप तो काम करेंगे, पाप पुण्य तो काम करते हैं, वो तो आते ही रहेंगे, वो उसको कोई नहीं रोक सकता। ये बात है, भक्ति से पाप जरूर कट जाते हैं, मगर अनंत जीवन के पाप है ना, एक जीवन के थोड़े ना है। और हमारी भक्ति ऐसी भी नहीं है कि सारे पाप जल के भस्म हो जाए, वो तो शुद्ध नाम से होते हैं। अभी हमारा नाम भी शुद्ध नहीं है, नाम अभास चल रहा है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। वो श्लोक मैंने पढ़ा, दैट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब चाहे कोई कितने ही भक्ति में क्यों ना हो, चाहे कितने ही कोई धर्म का आचरण क्यों ना कर रहा हो, जब विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। बल्कि आप ये सोचने लगोगे भक्त गंदे हैं, यही थॉट आने लगेंगे जब पाप आएंगे, तो फिर क्या करोगे, फिर भगवान अलग नहीं करेंगे, आप खुद ही अलग हो गए। वो सो यू सी, अब ये क्वेश्चन ये कि पाप और पुण्य का रिकॉर्ड कौन रख रहा है और कौन दे रहा है टाइम पे, वो भगवान ही दे रहे हैं और कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि भगवान, मतलब ये तो चलो हम डिवोटीज की बात कर रहे हैं, डिवोटीज के केस में भी ऐसा होता है, भगवान डिवोटीज के केस में तो भगवान पर्सनली प्रोटेक्ट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास रिकॉर्ड भी है, सब है, भगवान उन पापों को थोड़ा हेरा फेरी भी कर देते हैं। जो डिवोटीज के पाप है वो डिवोटीज के दुश्मनों पे डाल देते हैं, और डिवोटीज तो फिर तो वो ट्रांसफर इस तरह से हो जाता है, उनके दुश्मनों पे चले जाते हैं, तो फिर वो सफर करते हैं। या मतलब कई तरीके हैं भगवान के पास डिवोटीज के पाप को न्यूट्रलाइज करने के, मतलब रूल भी ना टूटे और पाप भी न्यूट्रलाइज हो जाए। नहीं, अगर मान लीजिए अगर आप कहो कि डिवोटीज के पाप तो भगवान खत्म कर देते हैं भक्ति करके, तो वो तो फिर कहेंगे ना भगवान पार्शल है। अब पार्शल है भी, उसमें भी कोई गलत नहीं है, विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं, प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, क्योंकि डिवोटीज भगवान के पार्शल हैं, इसलिए भगवान डिवोटीज के लिए पार्षद होते हैं। भगवान भक्ति की तो महिमा है ही कि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भक्ति की महिमा है, बट भगवान किसी तरह उसको
भगवान कभी कभी आपके पापा को यूज भी कर लेते हैं आपको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, आने देते हैं, मगर साथ साथ उन पापों को फेस करने की का करेज भी दे देते हैं और बुद्धि भी दे देते हैं कि कैसे उससे बचे। तो सिचुएशन जब आती है तो डिवोटी वीक होने की बजाय और स्ट्रांग हो जाता है, ऐसा भी होता है नहीं? जैसे कभी बीमारी आ गई पापों की वजह से, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बीमारी आ गई, तो भगवान फिर उसको भक्तों का संग देंगे, नॉलेज भी दे देंगे, तो फिर उसको आएगा नॉलेज। ऐसे बीमारी भगवान की कृपा है तो मुझे बीमारी में स्ट्रांग रहना चाहिए, तो बीमारी में जब स्ट्रांग होता है तो और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जब बीमारी में भक्ति कर सकता है तो नॉर्मल में तो आराम से भक्ति हो जाएगी। तो उस तरह से भगवान के अपने अरेंजमेंट्स हैं, और पता नहीं क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं भगवान के, बट डिवोटिस का केस थोड़ा अलग है। भगवान इस तरह से पापों को एडजस्ट करते हैं, पाप आते हैं भगवान यूज़ करते हैं, बट नॉन डिवोटिस के केस में बहुत प्रॉब्लम है। आसुरिम योनि मापन्ना, भगवान ऐसे द्वेषी और नॉन डिवोटिस को जो कि दूसरों से द्वेष करते हैं, मारते पीटते हैं, वट एवर, आसुरी लोग हैं, श्रद्धा नहीं है, उनको भगवान आसुरी योनि में डालते हैं। आसुरी योनि में उनको भक्ति के प्रतिकूल एटमॉस्फेयर मिलता है पूरा, और जब भक्ति के प्रतिकूल एटमॉस्फेयर मिलेगा तो मूढ़ा, तो वो क्या होता है, वो मूढ़ा बन जाता है। मूढ़ा मतलब होता है कि, वैसे तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मूर्ख, यहां पे मूर्ख का मतलब है कि वो पूरी तरह भगवान को भूल जाएगा, पूरी तरह, या भूलेगा भी नहीं, तो भगवान ने जो उपदेश दिया शास्त्रों में उसके पूरा एंटी काम करने लगेगा। मूर्ख ही है नहीं, ये जो भगवान कह रहे हैं उसके एंटी काम करना, वो तो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो वो इस तरह से बेवकूफ होकर भगवान की इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेगा, इंस्ट्रक्शंस या तो निग्लेक्ट करेगा या अगर पता है तो भी फॉलो नहीं करेगा। मैं आधा इंटेलिजेंट, रावण, हिरण्यकशिपु, ये सब मूर्ख ही थे। मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, कृष्ण 2 बार कह रहे हैं जन्मनी जन्मनी। तो शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं पहले असुर बन जाएगा, फिर उसके बाद और पाप करता रहेगा, फिर उसका कीड़ा बन जाएगा, फिर शूकर कूकर, प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से वो अलग अलग योनियों में, नीचे गंदी योनियों में जाता रहेगा। माम अप्राप्ये व कौन्तेय, और इस तरह से मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। मामा प्राप्त है, भगवान खुद अरेंजमेंट कर रहे हैं कि उनको प्राप्त नहीं कर पाए। डिवोटीज के लिए भगवान खुद अरेंजमेंट करते हैं कि उनको प्राप्त कर पाएंगे। ददामि बुद्धि अगम तम ये न माम उपयान्ति ते। सो कृष्णा सब कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं। मामा प्राप्त है व कौन्तेय, या कहने का मतलब है यहाँ पर, एक और मतलब हो सकता है मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा, मतलब कि वो अपने आप को हमेशा के लिए भूल जाएगा, अपना स्वरूप भूल के पूरी तरह पूरी तरह शरीर में घुस जाएगा। भगवान को प्राप्त करना मतलब अपने आप को प्राप्त करना, सेम बात है। जैसे जब सूरज की रोशनी होती है तो आप सब कुछ देख सकते हो, अपने आप को भी देख सकते हो ना। सो उसी प्रकार जब भगवान रूपी सूर्य के साथ हम कांटेक्ट में आते हैं तो हमें अपना स्वरूप भी पता लग जाता है। सो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा, अपने आप को पहचान नहीं पाएगा, पूरी तरह माया में, यान्ति अधमाम गतिम, पूरी तरह अंधेरे में चला जाएगा, अधमाम गतिम, और उसकी अधोगति हो जाएगी। सो अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि क्वाइट डेंजरस है नहीं? तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि वो क्या करते हैं असुरों के साथ, और इस श्लोक में भगवान ने बताया कि उसका फल क्या होता है, जब नीचे की योनि में डाल देते हैं तो उसके साथ क्या होता है धीरे धीरे। सो अब क्वेश्चन ये है कि भगवान तो इससे बहुत क्रूर नजर आ रहे हैं नहीं, भगवान इनकी हेल्प क्यों नहीं करते असुरों की, मतलब इनको गाइड क्यों नहीं करते, भगवान क्यों डाल रहे हैं नीचे नीचे। सो शिला प्रभुपाद इस पॉइंट को उठा रहे हैं, और शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वैदिक साहित्यों में लिखा है कि भगवान कभी भी किसी से घृणा नहीं करते। तो कौन सा श्लोक है गीता में इसका, कभी भी किसी से घृणा नहीं करते, कौन सा श्लोक है? आप लोगों को गीता नहीं पता क्या? ये तो पता होना चाहिए, सारे श्लोक टिप्स पे होने चाहिए, वरना प्रीचिंग प्रीचिंग कैसे करोगे।
समम सर्वभूतेषु न मैदोहेष्वस्ति न प्रिय। कृष्ण कह रहे हैं मैं सबके लिए समान हूँ, समो अहम सर्वभूतेषु। कैसे समान हूँ? न न मैं द्वेषो अस्ति, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, न प्रियो, न मेरे लिए कोई स्पेशली प्रिय है। भगवान यहाँ पे ऑर्डनरी लोगों की बात कर रहे हैं, भक्त की बात नहीं कर रहे। जैसे राजा होता है, राजा के लिए प्रजा में कोई घृणित भी नहीं है और न कोई स्पेशली प्रिय है। सभी राजा सभी को अपना प्रजा मानता है। नहीं, जैसे माँ के लिए ना कोई घृणित है ना कोई प्रिय है, सारे बच्चे ही उसके लिए सेम ही है नहीं? ऐसा नहीं कि आधा घृणित है आधा प्रिय, ऐसा कभी नहीं होता माँ के लिए, क्योंकि माँ उसको उनको अपना समझती है। इसलिए भगवान कह रहे क्योंकि सब मेरे ही हैं तो मैं ना किसी से घृणा करता हूँ ना कोई प्रिय है, मतलब मैं इस प्रिंसिपल से नहीं चलता। आई एम लाइक अ किंग। तो हमेशा सब पे भगवान कृपा करते हैं, चाहे घृणित हो चाहे प्रिय हो। जैसे माँ हमेशा अपने बच्चों पे कृपा ही करती है। मगर फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? फिर वे तो कह रहे हैं कि असुरों को तो नीचे योनियों में डाल देते हैं, वो हमेशा वहीं पड़े रहते हैं, सड़ते रहते हैं। अब ये क्या कृपा है? वेल, दैट्स द होल पॉइंट देयर। पॉइंट ये है कि हम लोग भी कृपा की बात करते हैं, भगवान भी कृपा की बात करते हैं, मगर अंतर ये है कि हमें कृपा करनी नहीं आती और भगवान को कृपा करनी आती है, क्योंकि भगवान फाइनल रिजल्ट से देखते हैं क्या होगा। भगवान की ब्रॉड विजन है ना, हम लोग छोटे उससे देखते हैं। जैसे जैसे माँ बाप होते हैं, माँ बाप अपने बच्चे पे कृपा करना आते हैं। अब जो मॉडर्न माँ बाप है उनको आता ही नहीं कृपा कैसे करनी है, और उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, पैम्पर कर करके कर करके कर करके बिगड़ जाते। नहीं, मगर पहले के पेरेंट्स ऐसे नहीं थे। ऐसा लगता था कि पहले के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बट एट द सेम टाइम वो ज़्यादा कृपा थी उनकी, क्योंकि वो लाइफ में आगे काम आता था, होता नहीं था। नहीं, आजकल के पेरेंट्स वो तो खुद भी कुछ नहीं आता, अपना बच्चों को कुछ सिखा पाते हैं, उनको पैम्पर कर करके चीज़ें दिला दिला के देख खुद ही बिगाड़ देते हैं। और फिर बाद में रोते हैं, देखो ये मेरी बात नहीं मान रही है, ऐसे ऐसे, भाई तुमने ही तो कबाड़ा किया है। प्रेम करना एक अलग बात है और प्रेम बांटना एक अलग बात होती है, या कृपा अनुभव करना भगवान की अलग बात होती है और कृपा बांटना एक अलग बात होती है, या धर्म का पालन करना एक अलग बात होती है, और धर्म कैसे दूसरों को धर्म में निरत किया जाए, लगाया जाए, वो एक बिल्कुल अलग बात है। उसके लिए फिर विवेक चाहिए होता है। भगवान तो में तो विवेक है ना, इसलिए भगवान को पता है कृपा कैसे बांटनी है। इसलिए शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान की कृपा ही है कि भगवान असुरों को नीचे नरकों में डाल रहे हैं। अब ये थोड़ी हजम नहीं होगी बात आपको, कहोगे ये कैसी कृपा है, मतलब अजीब सी बात है, बट ये कृपा है। तो कैसे है कृपा, किसी को पता है? मतलब भगवान नीचे असुर योनि में डाल रहे हैं, ऐसी योनि में डाल रहे हैं जिसमें वो और भूल जाएंगे उनको और अधर्म के रास्ते पे चलेंगे, तो ये तो अजीब सी कृपा हो गई। नहीं, मतलब ये कैसे कृपा हो गई? तो पनिशमेंट से सीखते हैं तो भगवान पनिश कर याद है, दैट्स वन थिंग। शास्त्रों में लिखा है कि क्या है कि प्रायश्चितम परम पूतम। प्रायश्चित यहाँ पे पनिशमेंट की सेंस पे, कि पनिशमेंट सबसे प्योरिफाइंग है। ओ सॉरी, एक्चुअली प्रायश्चितम नहीं, दंडम परम पूतम। दंड सबसे ज्यादा प्योरिफाइंग होता है। प्योरिफाइंग कैसे कहेंगे? दंड सबसे ज्यादा शुद्ध करने वाला है। ये भी शास्त्रों में लिखा है, धर्म शास्त्रों में। तो सारे शुद्ध करने वाली चीजों में से दंड सबसे ज्यादा शुद्ध करने वाला है, इसलिए शास्त्रों में दंड की व्यवस्था भी है। तो भगवान एक्चुअली इन लोगों को दंड दे रहे हैं, मगर भगवान ऐसे नहीं है कि इनको असुर लोगों को नरक में भेजते रहेंगे हमेशा के लिए। पहले भगवान पूरी कोशिश करेंगे कि इनको रिफॉर्म कर दें, इनको सही रास्ते पे ले आए। इसलिए अपने साधु भेजते हैं, शास्त्र देते हैं, इनको टाइम भी देते हैं चेंज होने का। ऐसा नहीं इमीजिएटली डाल देते हैं असुरों को नर्क योनि में। मतलब हिरण्यकशिपु की बात देख लो, हिरण्यकशिपु को भगवान 1 सेकंड में मार सकते थे। जब पहली बार हिरण्यकशिपु ने हाथ उठाया होगा प्रहलाद पे, उसी टाइम भगवान मार देते, मगर भगवान वेट कर रहे थे। नहीं,
कितनी बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, भगवान ने वेट की, वेट की, वेट की, वेट की, वेट की, वेट की। क्यों वेट की? क्योंकि एक बात है, मतलब दो दो रीजन थे उससे, एक एक तीर से दो काम हुए कि एक तो प्रहलाद की महिमा पूरे संसार में फैल गई, नहीं हिरण्यकश्यपु ने बार बार कोशिश की मारने की, वो बचते रहे, प्रहलाद फेमस हो गए। और दूसरी बात, दूसरी तरफ हिरण्यकश्यपु को उन्होंने टाइम दिया सुधरने का, हिरण जस्ट किल है, किल है, उन्होंने टाइम दिया कि ठीक है। प्रहलाद बार बार बता रहा था हिरण्यकश्यपु को कि भी आपको नहीं, भगवत में तो है ही उपदेश दिए कि आपको समझना चाहिए, बार बार समझा रहा है, हिरण्यकश्यपु समझ ही नहीं रहा। और जब सर से पानी ऊपर निकल गया तब भगवान ने कहा ये अब बातों से, क्या कहते हैं, लातों के भूत। बस ये बात है, अब बातों से तो मार नहीं रहा, अब पनिशमेंट देनी पड़ेगी। सो कृष्णा किल देम, दैट्स ऑल। सो ऑफ कोर्स आई मीन टू से हिरण्यकश्यपु का थोड़ा केस अलग था, बट ऑर्डनरी लोगों के केस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आप देखते हो, जैसे आपने वो देखी थी मूवी तुकाराम, तो तुकाराम में वो व्यक्ति नहीं था जो एंटी था तुकाराम के, हमेशा तुकाराम को तंग करता रहता था और प्लॉट करता रहता था तुकाराम के अगेंस्ट, तो मगर उसको कुछ नहीं हो रहा था, जबकि वैष्णव अपराध कर रहा है वो। क्यों? क्योंकि भगवान टाइम दे रहे थे सुधरने का, भगवान इमिजिएटली पनिशमेंट नहीं देते। तो कभी कभी हम देखते हैं इसलिए कि जो गंदे लोग हैं उनको कुछ नहीं होता, है नहीं, गंदे गलत काम करते रहते कुछ भी नहीं होता उनको, तो लोग सोचते हैं यार देखो कुछ भी नहीं हो रहा तो हम भी कर सकते हैं, उल्टा उल्टा होता है, नहीं होता है, तो क्यों इमिजिएटली रिएक्शन नहीं आता, क्यों भगवान इमिजिएटली एक्शन नहीं ले रहे? कृष्णा गिव्स टाइम, कृष्ण, मैं कल ही बता रहा था, भगवान का हमेशा प्रयास होता है कि उसको दंड से बचा ले। सो टाइम देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और ऐसे जो गंदे लोग हैं उनकी लाइफ में कई बार अपॉर्चुनिटीज आते हैं, कई बार उनको साधु मिलते हैं, कई बार उनको अच्छी इंस्ट्रक्शंस मिलती है। रावण भी, रावण को भी मंदोदरी अच्छी इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, सीता वापस कर दो, मतलब मंदोदरी को, मंदोदरी रावण के नाना बार बार बोल रहे हैं वापस कर दो, विभीषण बोल रहा है, तो कौन बोल रहा है, मंदोदरी बोल रही है, विभीषण बोल रहे, नाना बोल रहा है, एक्चुअली कृष्णा ही बोल रहे हैं, राम ही बोल रहे थे इनके थ्रू, राम ही तो इंस्पायर कर रहे हैं इनको, प्रेरणा तो सब भगवान के कंट्रोल में चल रहा है कि रावण को बोलो। सो भगवान ही कोशिश कर रहे हैं रावण को सही रास्ते पे लाने की, मगर नहीं आया। ओके, सब नहीं आया तो ठीक है। सो ये भगवान की कृपा होती है, जब नहीं मानते तो फिर दंड देते हैं, और दंड भी कृपा है, फिर उनको अलग अलग योनियों में डालते हैं, उनको दुख मिलता है, भगवान को भूल जाते हैं हमेशा के लिए, भगवान को भूल जाते हैं तो फिर उनको दुख मिलेगा, फिर दुख मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है, फिर किसी साधु से मिलेंगे तो साधु कहेंगे भाई तुम्हें दुख क्यों मिल रहा है, क्योंकि तुम भगवान को भूल चुके हो, फिर हो सकता है वो वहां से फिर शुरू कर ले, हो सकता है उसको खुद भी समझ आ जाए कि इतना सब कुछ करने की वजह से मुझे दुख मिलता जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। आई मीन टू से दुख की भी कोई सीमा नहीं है ना, भगवान इतना दुख दे देंगे कि आप फिर आप कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा आपके मुंह से, अपने आप निकलेगा भगवान बचाओ, दैट्स व्हाट हैपेंस। तो इतने साधु की तो फिर कोई महिमा के लिए कोई कनेक्शन नहीं है ना, अगर वो मनुष्य योनि होगा तो साधु तो समझ भी हाँ, सकता वो है कि जाएगा नहीं। निम्न योनियों में, फिर वहां पे सफर करेगा, उसके पाप भी खत्म होंगे, पहले तो पाप भी तो खत्म करने हैं उसके, पाप कम होंगे धीरे 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 धीरे, तो फिर बुद्धि थोड़ी उसकी, एक्चुअली पाप क्या करते हैं, बुद्धि बंद कर देते हैं, ऐसा भी होता है, मतलब आप जैसे मान लीजिए अगर आप अगर आप एक भैंस को कृष्ण कॉन्शियस समझाना चाहोगे, समझा सकते हो? पहले वो भी हमारे तरी है, वो भी खा पी रही है सो रही है, मतलब हम भी खा पी रहे हैं सो रहे हैं, उसकी भी थोड़ी बहुत बुद्धि है, बट हम नहीं समझा सकते कि पाप ने उसकी बुद्धि ढकी हुई है, एक लेवल के बाद वो इंटेलिजेंस समझ ही नहीं, वो एक्टिवेटेड नहीं है, वो स्टॉप है वो वहाँ, तो पाप ये करते हैं बुद्धि ढक देते हैं, आप उसके बाद नहीं समझ पाओगे, इसलिए कृष्णा कॉन्शियस में समझने में टाइम लगता है नहीं, जबकि क्लियर है चीज़ें, क्लियर है चीज़ें, मतलब इससे ज़्यादा क्लियर क्या होगी, बट टाइम लगता है। तो फिर साधुओं को निर्णय होनी में उनसे नहीं, मिलने एक के एक बाद मिनट कोई जाए कहाँ? एक मिनट,
तो टाइम लगता है नहीं। अब टाइम क्यों लग रहा है बताना, आप पूरी बुद्धि लगा रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, सब कर रहे हो, फिर भी टाइम लग रहा है नहीं। कभी कभी 10 साल बाद समझ आता है, यार इतना इजी पॉइंट था, आज मुझे समझ आया। होता है नहीं, क्लिक होता है नहीं, होता है। और अभी तक तो समझ ही नहीं आया कि आप शरीर नहीं हो, वो क्यों नहीं आ रहा, मतलब क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो बटन बंद है, बस ढका हुआ है, बस आप कुछ नहीं कर सकते, इट्स बियॉन्ड यू। भगवान ने अंदर से ब्लॉक किया हुआ है, बिकॉज ऑफ योर ओन सिंस, अपराध क्या चल रहे हैं, वो अंदर से ब्लॉक्ड है, उसके बियॉन्ड आप ना सोच सकते हो ना समझ सकते हो। सोचने की कोशिश भी करोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। अधिकार ना लाभिया सिद्धे भाव, विपर्या बुद्धि जन्मे शक्ति रहो भाव। अगर आप अभी सोचने की कोशिश करोगे अपना स्वरूप कि मैं ये हूं मैं वो हूं, बुद्धि उल्टी हो जाएगी, आप और नीचे गिर जाओगे, भोग वासना आ जाएगी। नहीं ऐसे ही, ऐसे नहीं। मान लीजिए अगर आप अभी से रासलीला पढ़ना शुरू कर दो, आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, फिर काम वासना आ जाएगी उल्टा, क्योंकि वो एंट्रेंस है ही नहीं, वो डोर क्लोज्ड है वो आपके लिए। तो मिस्ट्रीज बंद रहती हैं, वो भगवान खोलते हैं जब पाप धीरे धीरे हटते हैं, और जब और पाप नहीं करते आप, अपराध नहीं करते। सो देर इज़ अ आई मीन टू से, एक तो आपके एफर्ट्स, मगर कुछ चीज़ें हमारे बियॉन्ड कंट्रोल के काम कर रही हैं, कुछ कुछ ट्रांजेंडेंटल चीज़ें भी हैं जो ब्लॉक्स बनाए। इनफैक्ट मधवा तो यहाँ तक जा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार से ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो भगवान ही उसको इम्प्लीकेट कर देंगे अपराधों में और गिरा देंगे, भगवान उठने नहीं देंगे उसको। जैसे राम ने उसका गला काटा नहीं था शूद्र का, तो वो तो तपस्या कर रहा था, सो गला क्यों काट दिया? क्योंकि राम ने देखा कि वो अपने अधिकार से ऊपर जा रहा है, शूद्र है, तपस्या कर रहा है, और तपस्या करके जब शक्ति आएंगी तो ये पूरा पूरा गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा, यू सी द पॉइंट, क्योंकि उसकी वो शुद्ध नहीं है अंदर से। तो भगवान ने उसको गला के काट दिया, भगवान ने रोक दिया उसको। सो अगर भगवान रोकने पे आ जाए तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, ऐसा भी होता है। सो ये बहुत सारे मैकेनिक्स चलते हैं, बट एट द सेम टाइम पाप काम करते हैं। सी तभी तो भगवान कह रहे हैं ईशान तुंतगता पापम ये जना पुण्य कर्मणाम, जिसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं वो दृढ़ता से भक्ति करता है। तो पापों के से तो हमारे मन में गंदे विचार आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं बताओ? आप चैंटिंग कर रहे हो, गंदे गंदे विचार आते हैं, उल्टे फुलटे विचार आते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं बता दो मुझे। आप तो हटाना चाहते हो ना, तो फिर क्यों आ रहे हैं? द्वेष के, काम वासना के क्यों आ रहे हैं? आप तो हटाना चाहते हो, वेल क्यों आ रहे हैं? तो कुछ चीज़ यहाँ पर अनकैलकुलेटेड नहीं है, क्योंकि पाप है, दैट्स ऑल। जैसे जैसे पाप खत्म होंगे आपके माइंड में विचार आना बंद हो जाएंगे, बस दैट्स ऑल। सो भगवान इसलिए अभी जो असुर लोग हैं वो इतने पाप किए हैं, उसको अलग अलग योनियों में डालना पड़ेगा कि उसके पहले पाप खत्म हो, वो भुगतेगा तभी तो खत्म होंगे, और कोई तरीका तो है नहीं, क्योंकि वो भक्ति तो कर नहीं रहा, या तो भक्ति कर ले कट जाएंगे। अब वो भक्ति कर नहीं रहा, किसी की बात सुन नहीं रहा, तो क्या करना है भाई, कुछ तो करें। फिर उसको निम्न योनि में डालेंगे, और उन योनियों में धीरे धीरे एक योनि के बाद दूसरी योनि तीसरी योनि पाप एग्जॉस्ट होंगे, कम होंगे। जब पाप थोड़े कम होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, जब लिमिट से कम हो जाएंगे तो उसको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, जहाँ पे चांस होगी उसकी फिर से दोबारा से समझने की, सही बात समझने की, और फिर उसको चांस मिलेगा। अगर वो समझ जाएगा तो ऊपर जाएगा, नहीं समझेगा तो दोबारा से नीचे। मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, एक जन्म के बाद जन्म के बाद जन्म के बाद ऐसे चलता रहेगा। मुझे इसका मतलब जो हमें मनुष्य जन्म मिला हमारे काफी पाप कट चुके हैं, कट चुके हैं, हम एवॉल्व हो रहे हैं ना, नीचे की योनियों से आए हैं, भोगते हुए भोगते हुए भोगते हुए भोगते हुए या भोगते हुए वॉट एवर वो अब आ गए। तो मनुष्य जन्म मिलता ही इसलिए, वरना मनुष्य जन्म में बुद्धि ज्यादा एक्टिवेटेड है ना, वो क्यों है ज्यादा? हमें हमारे बुद्धि क्यों है, जानवर के बुद्धि कम क्यों है, क्यों है बता दो?
क्योंकि उसके पाप ज़्यादा है इसलिए ढकी हुई है, हमारे पाप कम है इसलिए थोड़ी सी एक्टिवेटेड है, इसके पाप और कम होते हैं उसकी और ज़्यादा एक्टिवेटेड होती है, वो और इंटेलिजेंट माना जाता है इस संसार में, इसके पाप और कम है और फिर उसको ब्यूटी भी मिलती है, उसको उसको पैसे भी मिलते हैं, नहीं पापों से ही तो सब डिसाइड हो रहा है, लॉज ऑफ कर्मा वहीं से काम कर रहे हैं। फिर भी मनुष्य में रहते 4-4 हज़ार तरह के मनुष्य होते हैं, मनुष्य में भी 4-4 हज़ार स्पीशीज है, 4 हज़ार है, 4 लाख है, सबके लेवल अलग अलग है, वो सब क्योंकि सबके पाप अलग अलग हैं उसमें भी, तो उसके हिसाब से कुछ लोग लेस इंटेलिजेंट, कुछ लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, कुछ लोग अपने को ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं मगर होते नहीं, ऐसा भी होता है। जैसे रत्नाकर डाकू थे वो तो बहुत ज़्यादा मतलब पाप में कर गए, उनको एक सेकेंड में रियलाइजेशन। वेल वो स्टोरी गलत है, हम मानते नहीं ऐसा, बाकी ठाकुर यही कह रहे हैं कि वो गलत है, उसने तो इतने पाप किए मारा और फिर उसके बाद वो मरा मरा बोल रहे हैं और फिर राम राम हो गया, वो कह रहे हैं ये सब नॉनसेंस है, ये सब हम लोग वो कह रहे हैं वाल्मीकि ऋषि पहले से ही थे, मतलब ऐसे थोड़े ना है कि इतना घिनौना काम कर रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को, चोरी कर रहे हैं, बल वाल्मीकि ऋषि बन गए जिन्होंने रामायण, राम लीला होने से पहले रामायण लिख दी, सो वो तो वाल्मीकि तो स्पेशल महात्मा थे, मतलब ऐसे थोड़े ना होगा, वाज नॉट लाइक दैट, महर्षि हैं, महर्षि वाल्मीकि, सो हम लोग नहीं मानते ऐसा और ना ही वाल्मीकि वाले मानते कि वो पहले डाकू थे अब वो सही है, ये तो पता नहीं कैसे कहानी आ गई, क्या हो गया, बट वी डोंट लाइक बैटली भक्ति ठाकुर के अकॉर्डिंग दिस इज नॉट द होल पॉइंट। सो और वैसे भी उसके पापा की वजह से, अगर वो आपका उसके पापा की वजह से वो राम नहीं बोल पा रहा था, है नहीं, तो उन्होंने कहा मरा मरा बोलो, तो फिर मरा 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 कह के राम राम क्या कैसे क्या हो गया, मतलब जब बोल ही नहीं पाएगा तो उल्टा भी कैसे होगा, तो मरा 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 राम, अब आपका राम राम हो गया तो फिर वो पहले ही राम बोल लेता मतलब क्वेश्चन ही है ना, तो सब इलॉजिकल बातें चल रही हैं यहाँ पर, सो इट्स ऑल राइट थिंग। ओके सो इस तरह से हम इसको करते हैं एंड अंडरस्टैंड, भगवान दंड भी भगवान की कृपा ही है, एक्चुअली भगवान जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, कभी कभी ना हम समझ ही नहीं पाएंगे एग्जैक्टली भगवान का प्लान क्या है, मगर भगवान का प्लान सबके कल्याण में ही अंत होगा, अब वो बात है थोड़े टाइम के लिए हमें लगेगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, डिवोटीज को भी हमें लगता है कि हमारे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, क्यों है क्यों है, बट नहीं भगवान प्लानिंग कर रहे हैं, और भगवान डिवोटीज जो भक्ति में एडवांस्ड होते हैं उनको उनको कन्विक्शन होती है कि भगवान जो भी मेरे साथ कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं, और इसलिए वो हमेशा भगवान के गुणगान गाते रहते हैं, जिनमें नॉलेज कम होती है पता नहीं होता वो घबराते हैं फिर, सो भगवान तो प्योरीफाई करते ही हैं, और इस संसार में किसी को शुद्ध करने का एक ही तरीका है प्रॉब्लम्स, तो या तो वह प्रॉब्लम्स नॉन डिवोटीज में दंड के रूप में आ जाए, या वो प्रॉब्लम्स डिवोटी की लाइफ में एज अ रियल प्रॉब्लम्स ही आ जाए, मगर बिना प्रॉब्लम्स के आदमी शुद्ध होता नहीं जल्दी जल्दी, मतलब अर्जुन हो गया गीता सुन के बट जनरल आदमी बिना प्रॉब्लम्स के शुद्ध नहीं होता, जैसे अगर हीरे को चमकाना होता है तो क्या करते हैं, घिसना पड़ता है ना तब चमक निकलती है, तो ऐसे भक्तों को भी घिसना पड़ता है थोड़ा भगवान को तब वो चमकते हैं तब आगे, इसलिए तो कुंती महारानी कह रही है कि भगवान अगर प्रॉब्लम्स आएंगी तो बहुत कृपा है आपकी, बट फिर उसके लिए फिर रेडी भी होना पड़ता है, दैट्स अ होल पॉइंट है। ओके इसीलिए भगवान ने संसार बनाया है जो प्रॉब्लम से ही भरा पड़ा है, प्रॉब्लम से कमी थोड़े है तो आप संसार को यूज कर सकते हो आगे बढ़ने के लिए अगर नॉलेज है तो, क्योंकि प्रॉब्लम्स बड़ी सारी हैं, जितनी प्रॉब्लम्स होगी उतनी आप आगे बढ़ जाओगे, सीखते रहोगे, प्रॉब्लम्स नहीं होगी तो लेजी बन जाओगे, आलसी हो जाओगे, पड़े रहोगे, कुछ सीखोगे नहीं, कुछ काम नहीं करोगे आगे सो ये बात है।
ओके, हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, एनीथिंग? तो ये हमें जैसे आपने अवस्था का बताया कि हमारी पोजीशन क्या है, हमें कई बार पता नहीं चल पाता कि हम किस अवस्था में, हम जैसे आपने रासलीला के बारे में बताया कि हम पढ़ने के अवस्था में है या नहीं है, तो वो अवस्था कैसे पता लगेगी? करके पता लग जाएगा। जनरली तो अभी तो चलो पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता ही है हम नहीं है। क्योंकि रासलीला तब पढ़ सकते हो जब आप चैंटिंग में नाम रूप गुण लीला प्रकट होने लगे, तो इसका मतलब है आपका हृदय शुद्ध हो रहा है। जब वो स्टेज आ जाए तब आप फिर आप पढ़ सकते हो। अभी तो नाम रूप लीला कुछ प्रकट हो ही नहीं रहा, नहीं, तो इसका मतलब है अभी शुद्ध ही नहीं हुआ हृदय। मतलब यहाँ पे कोई झूठी मूठी मानने वाली बात भी नहीं है ना, मतलब कि आपको कैसे पता लगेगा आप शुद्ध हो गए, या आप सोच रहे हो आप शुद्ध हो गए, नहीं। द होल पॉइंट इज आप शुद्ध तब हुए हो जब चैंटिंग से पता लगेगा, बस दैट्स ऑल। जब चैंटिंग कर रहे हो और आपके नाम रूप गुण लीला प्रकट हो रहे हैं तो आप शुद्ध हो गए, वरना आप शुद्ध नहीं हो, बस। मतलब इससे पता नहीं लगेगा आपको कि आपके मन में बुरे विचार नहीं आ रहे, क्योंकि वो तो थोड़े टाइम के लिए इल्यूजन भी हो सकती है नहीं? हो सकता है भक्तों के संग की वजह से बुरे विचार नहीं आ रहे, है नहीं? ये भी तो है, अच्छा संग मिल रहा है, अच्छा सुनने को मिल रहा है, पावरफुल एसोसिएशन, तो ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, मगर आपके अंदर तो है गंदगी, और वो गंदगी चैंटिंग के वक्त आएगी बाहर। देखना, चैंटिंग के वक्त ही सब आता है, क्योंकि चैंटिंग के वक्त सिर्फ आप हो, अकेले हो, है नहीं? तो कोई प्रेशर नहीं है, कोई है ही नहीं, आप और भगवान का नाम है बस, तब आ जाएगा सब। इसलिए चैंटिंग से पता लगता है, जब जिस दिन चैंटिंग में आपका मन लग गया, मन लग गया मतलब कि भगवान के रूप गुण लीला अपने आप स्मरण आ रहे हैं, तो बार बार ऐसा हो रहा है, एक बार नहीं, एक बार हो जाएगा तो ही। जब भी आप चैंटिंग कर रहे हो भगवान का स्मरण आ रहा है, गुण गुणों का, रूप का, तो इसका मतलब है आप शुद्ध हो गए, इसका मतलब आप रेडी हो गए रासलीला पढ़ने को, दैट्स ऑल। इसलिए जो लोग रासलीला पढ़ते हैं ये सोच के चलो अभी ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी डिवोटी साथ में आते हैं तो बुरे विचार तो कम ही आते हैं, उसको लगता है अब तो रेडी हो गया मैं, फिर पढ़ना शुरू करते हैं और फिर धीरे 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 फॉल डाउन हो जाता है उनका, काम बस नहीं आ जाती है वो, मतलब वो भी पढ़ेगा डिवोटी रासलीला, माता जी भी पढ़ेंगी, वो माता जी को ही और प्रभु जी में ही कुछ हो जाएगा, रासलीला हो जाएगी, बिकॉज दे आर नॉट प्योर, दैट्स अ होल आइडिया, प्योर नहीं हुए वो। इसलिए इस हमारे बुक्स में तो प्रॉपर साइंस एंड सिम्टम्स दिए हुए हैं ना, तभी तो पढ़ना होगा कि हमें अपने साइंस सिम्टम्स पता लगे कि भी हम कहाँ हैं, किस प्लेटफॉर्म पे हैं। तो डिवोटी कोई कहेगा भी मेरे में तो द्वेष ही नहीं है क्योंकि मेरे में तो मन नहीं आता, जब टाइम आएगा तब देखेंगे, क्योंकि द्वेष है मगर छुपा हुआ है अभी, वो तो चैंटिंग से पता लगेगा आप कहाँ हो खुद को, वरना नहीं पता लग सकता, ठीक है? नहीं ठीक है, सोच से पता लग जाता है हमें। परिहास में या मजाक में भी लें तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, नष्ट होते हैं, विश्व ठाकुर कह रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कभी कभी आपको चेक मिलता है, नहीं, 1 महीने बाद वाला मिला है कभी बिजनेस में? तो ऐसे ही है, कैसे ही नाम ले सारे पाप खत्म होते हैं, वो पोस्ट डेटेड चेक होता है, ठीक है तुमने नाम लिया सारे पाप खत्म, लो, मगर बाद में होंगे जब तुम नाम लेते लेते शुद्ध नाम तक पहुंच जाओगे मगर साइन कर दिया हमने, पाप खत्म हो गए तुम्हारे, हाँ, पोस्ट एडिट चेक मिलता है मतलब नाम लेते रहोगे तो गारंटी खत्म हो जाएंगे, ये हम साइन करके दे रहे हैं, बताते नहीं कि ऑर्डिनरी आदमी को उत्साह भी मिले, जो लोगों को उत्साह तो मिले नाम लेने का,
तभी तो लोग, तभी तो नाम लेते हैं, तभी तो नाम लेते हैं कि भाई सारे पाप खत्म हो जाएंगे तभी हम नाम लेंगे, नाम ले रहे हैं तभी तो करते हैं। सो हाँ बोलो, समझ गए नहीं समझ गए? तो मतलब नाम की महिमा तो बिल्कुल सही है, आप कैसे ही नाम लो आपके सारे पाप खत्म हो जाए, मुक्ति मिल जाएगी 100% है। बट वो अभी हमें दी नहीं जाएगी, मतलब आप आपके अकाउंट में आ गई है मगर आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी आप रेडी नहीं हो, इसलिए वो रोका हुआ है। जैसे भी अगर आप मान लीजिए, अगर अब ये काम करोगे तो आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, तो ठीक है आपने कर दिया तो कहाँ है, आपके बैंक अकाउंट में आ गए, मिल गया ना, मगर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते आप अभी अभी तो। चलो आप पहले, आपको और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी तब आपको इस्तेमाल करने का एक्सेस देंगे। सो झूठ नहीं है वो, ये सारे पाप खत्म हो गए, झूठ नहीं है, नाम लेने से सारे पाप खत्म हो गए, बट एट द सेम टाइम अभी जब आप रेडी हो जाओगे तब वो आप उसको चीज़ को एक्सेस कर पाओगे, बट अदरवाइज हमने साइन कर दिया, दैट्स ओके। और क्या बोल रहे? क्या कह रहे हो? एकाकार भगवान में लीन होने का उसको सुख मिल जाता है, और स्वर्ग भी प्राप्ति, वो सब की प्राप्ति हो सकती है। मतलब ये चीजें किस लिए मैं भरत महाराज ये समझ नहीं आ रहा मुझे, स्वर की प्राप्ति हो सकती है? अगर आप ये भरत महाराज के दृष्टांत को पढ़ते हैं, लीला और सुनते हैं, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति। अच्छा ऐसा ऐसा लिखा हुआ है? नहीं ऐसे तो, ऐसे तो नहीं तो, नहीं तो उसको बोलते हैं फलश्रुति। जैसे मान लीजिए गजेंद्र मोक्ष पढ़ोगे रोज तो बुरे सपने नहीं आएंगे, या कालिया नाग की लीला पढ़ोगे तो सांप नहीं काटेंगे, ये तो ऐसा है लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें तो भोगी लोगों को आकर्षित करने के लिए बस। ऐसा भी सोच सकते हैं कि उस करेक्टर में ये बात क्यों, ध्रुव महाराज के या भरत महाराज के करेक्टर में, स्टोरी में ये बात क्यों नहीं गई है, भरत महाराज के अब वो पता नहीं क्यों है, मैं नहीं जानता हूँ, वो रिसर्च चाहिए मगर उन्हें क्या थी, मगर हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, कुछ रीज़न तो होगा मगर हम लोग इंटरेस्टेड है ही नहीं उसमें। सो इसलिए हम लोग ना उसकी चर्चा करते हैं ना ही हमें कुछ लेना देना उससे, ऑर्डनरी लोगों के लिए है बस। बोला है कि भरत महाराज अपने पूर्व कर्मों के कारण गिर गए, लेकिन कौन? भरत महाराज ना, कृपा जी ने उस बात को डिनाई कर दिया, मतलब दूसरी बात निकाली कि ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने अपनी गलती से किया। हाँ, ये सुखदेव गोस्वामी कहीं काफ़ी चीज़ें कह रहे हैं, तो अपने पूर्व कर्म लिखे हैं वहाँ पे। वैसे तो देखो गोपियों के बारे में भी लिखा है सुखदेव गोस्वामी ने, कहा कि गोपियों में अहंकार आ गया था इसलिए कृष्णा छोड़ के चले गए रासलीला से, लिख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी वहाँ, और लोक कथाकार यही बोलते हैं कि देखो अहंकार आ गया तो छोड़ के चले गए। कभी कभी शास्त्रों में दोनों चीज़ें चल रही होती हैं, बाहर से लोगों को दिखाने के लिए कुछ होता है और अंदर से कुछ और चल रहा है। जैसे जैसे राम का विलाप, तो राम विलाप क्या है, तो कई लोग लिख रहे हैं कि कई पुराणों में लिखा है कि राम भगवान, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जिस तरह एक व्यक्ति अपने पत्नी से आसक्त होता है, इस तरह राम एक सीता से आसक्त थे, और ये दिखा रहे हैं कि पत्नी से आसक्त होने से, स्त्री से आसक्ति होने से हमेशा दुख मिलता है। एक लेवल पे तो ये चल रहा है, दूसरे एक शिक्षा मिल रही है डिवोटीज के लिए, शिक्षा मिल रही है कि भगवान दिखा रहे हैं कि भक्त से जब भगवान दूर होते हैं तो भगवान को भी दुख होता है, फिर भक्त को दुख नहीं हो रहा,
सो प्रेम की महिमा बता रहे हैं। दूसरी तरफ आसक्ति का जो है फल बता रहे हैं क्या होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं पूर्व जन्मों का पाप की वजह से। इन जनरल अगर आप बाहर से लीला देखोगे तो ऐसा लगेगा कि पूर्व जन्मों के पाप की वजह से हो रहा है। कोई भी कहीं भी गिरता है तो पाप की वजह से गिरता है, नहीं? अभी तो हम चर्चा कर रहे हैं। तो इन जनरल ऐसा है, कंक्लूजन निकलेगा आपका। तो सुखदेव गोस्वामी नॉर्मल आदमी की दृष्टि के दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि पूर्व जन्मों के पाप से गिरा है, मगर फिर अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा है, एग्जैक्टली ये नहीं चल रहा। तो दृष्टिकोण की बात है, सुखदेव गोस्वामी नॉर्मल आदमी के दृष्टिकोण से कह रहे हैं, हाँ, मगर फिर उस एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा नहीं है। समझ गए ना? ऐसे समझ गए, जैसे राम के बारे में बोला था कहीं पुराणों में कि राम भगवान मतलब वो सॉरी कहीं 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 नीति शास्त्र में लिख रहे कि कर्मों के चक्कर इतने बलवान है कि राम को भी अपनी पत्नी से अलग होना पड़ा। आप क्या कहोगे? कहीं कहीं नीति शास्त्र में ऐसा लिखा है, आई थिंक विदुर नीति में या तो चाणक्य नीति में लिखा है कि राम को भी अलग होना पड़ा। इसी नीति में है, बृहस्पति नीति किसी नीति में। तो पढ़ रहा था, वेल मैंने कहा ये तो गलत ही है, बट पॉइंट ये है कि वो लोग इस इंसिडेंस को यूज कर रहे हैं शिक्षा देने के लिए। कि नॉर्मल आदमी देखेगा तो एक कंक्लूजन निकालेगा, ठीक है अभी तो एक कंक्लूजन निकाल के तो सीख ले, मगर असलियत ये नहीं है। तो ऋषि मुनि कभी कभी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं कि इसे साधारण लोगों को शिक्षा मिल जाए, फिर जब वो आएगा भक्ति में तो पता लगेगा यार एग्जैक्टली तो कुछ और चल रहा है नहीं। सो ये बात है बस। क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसको, सुधार, मतलब उन्होंने कुछ बोला उसको समझाने के लिए। ये तो होता ही है, ये तो है ही ऐसा। ऐसा ही है बस, क्योंकि भागवतम सबके लिए है ना। नॉर्मल आदमी के लिए भी पढ़ेगा उसको फायदा होगा, हम भी पढ़ेंगे फायदा होगा, परमहंस पढ़ेगा, परमहंस उसी श्लोकों में कुछ और उपदेश निकाला होगा, वो कुछ और ही देख रहा होगा। प्रभुपाद एडजस्ट नहीं कर रहे, प्रभुपाद डिफरेंट लेवल्स ऑफ रियलिटी बता रहे, ठीक है वो एक लेवल पे बात कर रहे हैं मगर एक इसका डीपर लेवल भी है, तो वो तो बताया जाएगा ना। और सुखदेव गोस्वामी सारे लेवल थोड़े ना बता देंगे, वो तो कोई फायदा ही नहीं होगा किसी को पढ़ने का। तो वो तो एक लेवल पे बात करते हैं, फिर आचार्य कमेंट्रीज में दूसरा लेवल बताते हैं, क्योंकि भी 90% पॉपुलेशन तो नॉन डिवोटी है, डिवोटी आएगी तो फिर हाँ ठीक है, ये दूसरी टीचिंग आ रही है उसी लीला से। फिर जो और आगे बढ़ जाएगा उसके लिए और कुछ लेवल होगा, तो एक और लेवल है भरत महाराज का पास टाइम का, वो भी बता रहे हैं। जब और आगे बढ़ जाओगे तो आपको पता लगेगा कि भरत महाराज जानबूझ के गिरे थे, उनको पता था कि वो गिर जाएंगे मगर उन्होंने जानबूझ के आसक्ति तोड़ी नहीं, बढ़ाते गए, क्योंकि वो पता था कि जब आसक्त होके उनको अगला जन्म हिरण का मिलेगा और फिर और दो तीन जन्म जब होंगे तो उनका विरह और बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको पता लग गया कि विरह भक्ति सबसे स्ट्रांग भक्ति है और विरह में आसक्ति और बढ़ जाती है। तो वो उनको समझ आ रहा था क्या हो रहा है बट उन्होंने होने दिया और जानबूझ के गिर गए। ऐसा भी अब वो तो अभी तो क्या, अब तो और डीपर लेवल हो गया। तो अलग अलग लेवल चल रहे हैं। तो ये भी ठीक है कि वो आसक्त हो गए, झूठ तो है नहीं क्योंकि उन्होंने अपने आप को आसक्त होने दिया, ठीक है, मगर अब उसके डीपर लेवल है कि भाई उन्होंने अपने आप को आसक्त होने दिया, उनकी सहमति से था। तो एक तो डीपर वो बताया नहीं शुरू में, उन्होंने बोला कि आसक्त हो गए बस, ठीक है। और क्योंकि वो आसक्त हुए तो आसक्ति तो पाप है, कर्म पाप ही है, तो पापों की वजह से उनको फिर अगला जन्म मिला, तो वो भी ठीक है। समझ गए नहीं समझ रहे? तो सब एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अपने आप को गिरने दिया दूसरे गिरने के लिए,
विश्वनाथ ही लिख रहे, इंटरेस्टिंग है, नहीं है? क्योंकि वो चाहते थे अपनी भक्ति और इंटेंसिटी बढ़ाना, और चाहते थे तो और बढ़ गई उनकी, हिरण की योनि में और इंटेंसिफाई हो गया ना उनका, इसलिए। और ऐसा भी है, पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं। चलो ठीक है, वरना तो भाई, वरना तो भरत महाराज का इंसिडेंस क्यों होता, हमारा ही डाल देते कि आ सकत हो गया, गिर गया, ले सीख लो इससे। अब इन लोगों के जितने भी जो पात्र हैं भागवतम में, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एक ही पात्र, एक ही लीला से। एक चीज़ नहीं चल रही है कि महान लोग हैं ना, ये दो तीन चीज़ें शिक्षाएं मिल रही हैं, जो सोच रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत डायनेमिक चल रहे हैं, तभी तो इनका नाम भागवतम में है। ऐसे ही थोड़े ना, सो दैट्स व्हाई। भागवतम में नाम आना भी बहुत बड़ी बात है, साधारण लोगों को तो आता नहीं नाम, महान लोगों का आता है। तो महान लोग जब कुछ करते हैं तो महान चीज़ ही करते हैं, चाहे वो गिरे भी तो महानता से ही गिरते हैं। ऐसा ही होता है, उनके सारे काम महान होते हैं। लाइक दैट, ओके। वही 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 बात है जो हमें नहीं आ रहा करना, या पता भी नहीं। चलो जय हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।